पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी? पिछली क्लास में हमने बात की थी भाई कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कोई फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा और कोई फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो पिछली क्लास में अपन ने सिंपल सिंपल एक दो ग्राफ के प्रॉब्लम किए थे, यार पांच पांच वाले प्रॉब्लम किए थे, और हमने मेनली पहचाना था कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव, डिफरेंस हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम कि यार कैसे डील करें कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, कैसे डील करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, कैसे निकालें इनका वर्क डन और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन प्रॉब्लम करने वाले हैं बिल्कुल झक्कास। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, फाइंड वर्क डन इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए 0.0 टू बी 1.1 बाय अ फोर्स, दो फोर्स की वैल्यू हमने दी थी। देखा जाए अगर आप पिछले लेक्चर को रिवाइज करो तो पहला वाला जो हमारा फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? ऑब्वियस सी बात है बाबा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे फोर्स है कंजर्वेटिव? भाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। कंजर्वेटिव फोर्स जानने का तरीका क्या होता है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स के जानने का तरीका ये होता है यार, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई अगर बराबर हो जाए डेल वाई अपॉन डेल एक्स के, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई के बराबर, ये देखो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई या डेल वाई बराबर हो जाए डेल वाई अपॉन डेल एक्स के। देखो एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट मानो जीरो, वाई वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, कैसा फोर्स आ गया? कंजर्वेटिव फोर्स। अब हमारा फोर्स हो गया है कंजर्वेटिव फोर्स, मुझे निकालना है वर्क डन। पहली बात तो ये पहचानो कि ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने वर्क डन का रामबाण तरीका बताया है कैसे करते हैं। तो अगर मुझे वेरिएबल फोर्स का किसी ने वर्क डन पूछा, एक ही तरीका हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। वर्क जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या है मेरा तो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ds का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कैन यू रिप्रेजेंट दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोले तो dx i कैप प्लस dy, ठीक है ये हुआ ds। जैसे तुमने डॉट प्रोडक्ट किया, ये डॉट करना है अपने को, ध्यान रखना इसका हमें डॉट करना है। जैसे तुमने डॉट किया वर्क आ गया x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। लिमिट देखो 0.0 से 1.1 यानी कि x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। ये सवाल मैंने पिछले के पिछले लेक्चर में भी करवाया था, 0 से लेके 1 तक बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कंटिन्यूएशन एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट डाला 1/3। वाई स्क्वायर कंटिन्यूएशन वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट डाला 1/3। क्या गया आंसर बताओ? 2/3। सिंपली हमने 2/3 जूल निकाल लिया इसका वर्क डन, बहुत सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा फोर्स पे अगर कंसंट्रेट करो तुम, अगर दूसरे फोर्स पे कंसंट्रेट करो, अब मुझे ये बताओ कि दूसरा वाला फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला जो हमारा फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर तुम चेक करो, वैसे मैंने पिछले एक बताया था, अगर तुम चेक करो तो मेरा दूसरा वाला जो फोर्स है वो है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई जो आएगा वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2y, डेल एफ y अपॉन डेल एक्स जो आएगा वो आएगा 2x। नाउ दिस 2y इज नॉट इक्वल्स टू 2x, 2y 2x के बराबर नहीं है, यानी कि ये फोर्स कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। अब यार नॉन कंजर्वेटिव के लिए हमें एक पॉइंट a दे दिया 0.0, एक पॉइंट b दे दिया 1.1। अगर तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ तो एक्चुअली में मुझे इस पॉइंट ए से कहीं बी पे जाना है 1.1 पे, 0.0 से। अब मुझे एक बात बताओ, ए से बी जाने के लिए कितना पाथ पॉसिबल है? इनफाइनाइट, एक
दो, तीन, चार, पांच, छह, कुछ भी हो सकता है। और मैंने अपनी पिछली लेक्चर में बताया था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो बात की बात है, वो तो उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है कि तुम इनिशियल से फाइनल किस पाथ से आए हो। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये पाथ मैटर नहीं करता था, वो सिर्फ मैटर करता था कि हम आए कैसे हैं। बट नॉन कंजर्वेटिव के साथ ऐसा नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर मुझसे ये सवाल बिना पाथ दिए पूछ दिया कि मुझे किस पाथ पे जाना है तो ये सवाल ही गलत है, यानी कि सेकेंड वाला सवाल मेरा गलत है। वो गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि सेकेंड वाले ऑप्शन में इसने हमें पाथ नहीं दिया है। अगर ये पाथ देगा तभी हम कर पाएंगे। तुमने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला चलो करते हैं और तुम्हें दिख जाएगा कि ये पाथ कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मैंने बोला यार चलो वर्कडन निकालते हैं, तुमने बोला यार वर्कडन निकालते, ठीक है चलो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, यही तो होगा। जैसे तुम करोगे w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, क्या ये इंटीग्रेटेबल है या नहीं है? क्या तुम इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? y है यहां x है, कैसे इंटीग्रेट करोगे? वहां x था और x था, इंटीग्रेट हो गया। वहां y था और y था, इंटीग्रेट हो गया। यहां y के साथ x है, x के साथ y है, हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है इंटीग्रेट करना, यहां तो इंटीग्रेट करना ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए ये नॉन इंटीग्रेटेबल होता है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए कैसे करें इंटीग्रेट? हो इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब ये हमें पाथ की क्वेश्चन देगा, बताएगा कि हम किस पाथ से जाएं, वरना ये क्वेश्चन ही पूछना गलत हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा अलग अलग पाथ पे ए से बी जाने में वर्डन अलग लगाएगा। सपोज करो मैंने बोला ये पहला वाला पाथ है और ये दूसरा वाला पाथ है। मैंने तुम्हें पाथ दे दिया कि यार तुम्हें जो है वाई बराबर एक्स पाथ से चलना है। अब मैंने पाथ की इक्वेशन दे दी कि तुम्हें ए से बी वाई बराबर एक्स वाले पाथ से ही चलना है और तुम कोई और पाथ मत चूज करो, तुम ये इस पाथ पे चलो। और देखा जाए तो 0.0 और 1.1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, यानी कि मुझे y बराबर x से इस पाथ पे चलना है। वर्क डन निकालूं। अब पाथ का यूज करके तुम इसको इंटीग्रेटेबल बना सकते हो, पाथ का यूज करके। देन वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन y x के बराबर है x स्क्वायर dx, x y के बराबर है, देखो x y के बराबर है तो बोले तो y स्क्वायर डीवाई। x वेरी कर रहा है 0 से 1, y वेरी कर रहा है 0 से 1, जैसे तुम वर्क डन निकालोगे x क्यूब बाई 3 बोले तो 1/3 प्लस 1/3 यानी कि आ गया 2/3 जूल। बिल्कुल सिंपली हमने निकाल लिया। तो जब मेरा पाथ दिया तो पाथ का यूज करके इस फंक्शन को हम इंटीग्रेटेबल बना लिए और फिर यूज कर लिए। अब तुम बोलोगे यार मैं कैसे मानूं कि y बराबर x वाले पाथ पे और किसी और पाथ पे वर्क डन सेम ही आएगा? मैंने बोला जस्ट वेट करो और देखो क्या आता है। मैंने बोला सपोज करो मेरा पाथ y बराबर x स्क्वायर है, पैराबोला y बराबर x स्क्वायर, 0.0 और 1.1 इसको भी सेटिस्फाई करा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं पाथ नंबर 2 की बात, कि मैं a से b पाथ नंबर 2 पे आ रहा हूं, y बराबर x स्क्वायर से आ रहा हूं। मैंने बोला अब बताओ वर्क डन निकाल के, क्या वर्क डन 2/3 के बराबर नहीं होगा? मैंने बोला नहीं होगा। तुम्हें ला प्रूफ करके दिखाओ। मैंने बोला अभी रुक जाओ, देखो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dy। मैंने बोला निकाल के दिखाओ। तुमने बोला अच्छा y स्क्वायर, y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है, y स्क्वायर बोले तो x की पावर 4 dx प्लस x स्क्वायर y के बराबर है, यानी कि y dy।
एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1, वाई वेरी कर रहा है 0 से 1, जैसे वर्क एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन आ गया, एक्स की पावर 5/5, बोले तो 1/5, एक्स वाई डीवाई का इंटीग्रेशन आ गया वाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि बोले तो लिमिट डालने के बाद 1/2। जैसे तुम ये परफॉर्म करोगे नीचे में आ गया 10, ऊपर में आ गया 2+5, यानी कि आ गया 7/10 जूल। क्या ये वर्क डन और ये वर्क डन सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियस सी बात है, ये दो वर्क डन डिफरेंट है। अगर ये दो वर्क डन डिफरेंट है, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? कि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि कभी भी अगर तुम्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने बोलेगा बिना पाथ दिए, वो ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि तुमसे ये पूछ ले। अगर वो पूछ रहा है यानी कि वो मूर्ख है, क्योंकि बिना पाथ का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हमारा यहां वाई है तो यहां भी वाई होना पड़ेगा, यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होना पड़ेगा, वरना ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल मैंने बेसिक से दिखाया कैसे अपन पाथ डिपेंडेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। चलो और कुछ बात और करते हैं, कैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे अगर मेरा फंक्शन थोड़ा बदल दे। सपोज करो मेरा फंक्शन इसने कुछ बदल दिया और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो आओ अपन कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं और फिर कुछ बातें तुम्हें और बताते हैं। देखो कुछ बातें तुम्हें और बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स तो दिया हुआ रहता है बट उसका पाथ इंटीग्रेटेबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, सपोज करो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड वर्क डन इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए 0,0 टू बी 1,1। फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स मैंने तुम्हें दे दिया y स्क्वायर x i कैप प्लस x स्क्वायर y j। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार वर्क डन निकालो, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए, तुम पहले ये चेक करो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव होगा तो इसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो मुझे पाथ देना पड़ेगा। अब तुम चेक करो, मैंने बोला यार डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई अगर डेल वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर हो गया तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा वरना ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। चलो निकालते हैं डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, एक्स को कांस्टेंट माना, वाई स्क्वायर का आ गया 2, ये आ गया 2xy। डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट माना, एक्स स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? क्या दोनों बराबर है? बराबर है, यानी कि ये फोर्स हो गया कंजर्वेटिव। अब मुझे बोला वर्क डन निकाल के बताओ, वर्क डन का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। बहुत बढ़िया, आराम से निकाल लेंगे। तो यार क्या टेंशन है, सिंपल तो है, निकाल लेते हो और निकालते हैं। चलो निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या मेरा y स्क्वायर x इंटू dx, fy क्या है देखो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, मैंने बोला इंटीग्रेट करके दिखाओ, कर पाओगे? फोर्स कंजर्वेटिव भी है फिर भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां डीएक्स के साथ एक वाई भी घुसा हुआ है, यहां डीवाई के साथ एक एक्स भी घुसा पड़ा है। अब जबकि मैंने तुम्हें बोला कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स पे हम तो पाथ देंगे नहीं, तो तुम वहां कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, तो क्या करें भाई? यहां तो सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पाथ ही कहां दिया है, पाथ देता तो अपन सब्स्टिट्यूट भी कर लेते, नहीं कर सकते, तो क्या करें? एक दिमाग लगाते हैं। हमें पता है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमें आना कहां से है? तुमने बोला यार मुझे आना है 0,0 से लेके 1,1 तक। मैंने बोला यार 0,0 से 1,1 तक आना है तो अपने मन से कोई एक पाथ ले लो ना। क्यों ले लो पाथ अपने मन से? मैंने बोला यार तुम कोई भी पाथ ले लो, आंसर सबका सेम आएगा। तुमने बोला अच्छा, एक आदमी ने लिया 0,0 से लेने का पाथ वाई बराबर एक्स, दूसरे आदमी ने यहां से यहां आने का पाथ लिया
वाई बराबर एक्स। मैंने बोला चाहे आदमी वन की बात करो या चाहे आदमी दो की बात करो, वर्क डन अगर ये फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है तो दोनों केसेस में वर्क डन को सेम आना पड़ेगा। हमने अपने मन से ये पाथ एज्यूम किया है और मैं बताऊंगा कि वाई बराबर एक्स की बात करो या तुम एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर की बात करो, वर्क डन दोनों केस में सेम है। तुमने बोला अच्छा प्रूफ करके दिखाओ, मैंने बोला देखो दो सेकंड में, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यूज करते हैं केस नंबर वन के लिए। वर्क डन की बात करें, पाथ नंबर वन है वाई बराबर एक्स, वाई को सब्स्टिट्यूट करो एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया एक्स क्यूब डीएक्स। कहां से कहां तक? एक्स क्यूब डीएक्स बोले तो जीरो से लेके वन तक, एक्स वेरी कर रहा है जीरो से लेके वन तक। आगे बात करें, आगे बात करें, यहां वाई को, यहां एक्स दिया हुआ है और एक्स बराबर वाई है, वाई डाल लेते हैं, जैसे डाला ये आ गया वाई क्यूब इंटू डी वाई जीरो से लेके वन तक। अब तो ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे तुमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, देखना जैसे तुमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, जैसे तुमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, दिखाता हूं मैं तुम्हें इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ गया एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, लिमिट डाला वन जीरो यानी कि ये आ गया वन अपॉन फोर, प्लस वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन आ गया वाई की पावर फोर अपॉन फोर, फिर से वन डाला ये आ गया वन अपॉन फोर यानी कि टू अपॉन फोर, बोले तो वन बाई टू जूल। तुमने बोला बहुत बढ़िया, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि यार दूसरा वाला इक्वेशन अगर मैं यूज करूं यानी कि मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर यूज करूं तो भी वर्क डन इतना ही आना चाहिए, क्योंकि सिंस दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखना गौर से, मैं ये प्रूफ करके तुम्हें दिखा सकता हूं, जैसे तुमने किया देखना, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, गौर से देखना, वाई स्क्वायर एक्स डी वाई, वाई स्क्वायर एक्स, y इस y बराबर x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर दिया गया है, y को जब हमने x स्क्वायर डाला तो x की पावर 4 आ गया, एक x और है यानी कि आ गया x की पावर 5 dx। देखना y स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 * x x की पावर 5 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर y के बराबर है यानी कि y स्क्वायर dy, 0 से 1 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6, जैसे लिमिट डालोगे ये आ गया 1 अपॉन 6, प्लस इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा y क्यूब / 3, लिमिट डालोगे ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, जैसे तुम इसको जोड़ोगे मेरे भाई जोड़ के दिखा दो, आंसर 1 by 2 जूल ही आएगा, यानी कि ये प्रूफ हो गया कंजर्वेटिव फोर्स भी कभी कभी नॉन इंटीग्रेटेबल होगा, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी एक इक्वेशन मान लो जो उन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने मन से कोई भी इक्वेशन मान लो जो उन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, उस पॉइंट को डालो इक्वेशन में, वर्क डन निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा। आज का कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात कर लिए, आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं कि अगर हमारे कुछ ऐसा इस प्रकार का कुछ बेहतरीन सवाल दे दे तो कैसे करते हैं डील। आओ आज का सबसे एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव का देखते हैं। मान लो मैंने, मुझे बोला यार फोर्स लग रहा है, सपोज करो वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और मुझे बोला कि यार फाइंड वर्क डन, मुझे वर्क डन बताना है किस पाथ पे, तो अगर मैं यहां से यहां जाऊं और ऐसे जाऊं, मतलब ओ ए बी, फाइंड डब्ल्यू फॉर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ए का कोऑर्डिनेट 2,0 मान लो, बी का 2,2 मान लो, और ये ओरिजिन है तो 0,0 मान लो। अब मुझे बोला वर्क डन निकालो, सबसे पहले देखो तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, सबसे पहली बात तो ये मेरा जो फोर्स है ये फोर्स कैसा है, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे? डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई आ रहा है मेरा 2y, और डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स आ रहा है 2x, यानी कि ये फोर्स है दिस नॉट इक्वल टू दिस, फोर्स है मेरा नॉन कंजर्वेटिव। ग्राफ दे दिया और मुझसे बोला यार इसका वर्क डन निकाल के बताओ। अब पहली बात, अगर मैं ओ से घूम के ओ पे आ रहा हूं तो वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कैसे निकाले? अब हमें पता है कि जो जनरल फॉर्मूला वर्क डन का है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब प्रॉपरली ये इंटीग्रेटेबल नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं काम, हमें पाथ पता है, तो देखना
कैसे कर रहा हूं, पाथ OA, पाथ OA की बात करें, OA पाथ में क्या बदल रहा है, OA पाथ में क्या बदल रहा है, OA पाथ में x बदल रहा है, y की वैल्यू कितनी है, जीरो। OA पाथ में x बदल रहा है, y की वैल्यू जीरो है, OA पाथ में x बदल रहा है, y की वैल्यू जीरो है, यानी कि पहला वाला टर्म तो मेरा हो गया जीरो, पहला वाला टर्म मेरा जीरो हो गया क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ठीक है, पहला वाला टर्म हो गया जीरो। दूसरे में x बदल रहा है, अगर y ही मेरा जीरो है तो dy कितना हो, जीरो, जब y ही जीरो है तो पहले वाले पाथ में O से लेके A में dy कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि पहले पाथ में कोई वर्क डन नहीं होगा। सिमिलरली मैंने बोला यार एक बात बताओ, पाथ AB में क्या हो रहा है, पाथ AB में x कांस्टेंट है, यानी कि x की वैल्यू 2 है, पाथ AB में x कांस्टेंट है, x की वैल्यू देखो 2 2 2, सर जगह x 2 है, बदल रहा है y, यानी कि पाथ AB के लिए अगर वर्क डन की बात की जाए, x कांस्टेंट है 2, y बदल रहा है, x कांस्टेंट है y बदल रहा है, अगर x कांस्टेंट है तो dx कितना होगा, x कांस्टेंट है यानी कि dx भी जीरो होगा, y बदल रहा है, x की वैल्यू 2 है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू dy, और y कहां से कहां बदल रहा है, y 0 से लेके 2 तक बदल रहा है, y 0 से लेके 2 तक बदल रहा है, जैसे वर्क कैलकुलेट करोगे 4 बाहर निकला, dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा y, लिमिट डालोगे इंटू 2, यानी कि आ गया 8 जूल। पहले हमने AB पाथ का वर्डन निकाल लिया, सिमिलरली मैंने तुमसे बोला कि यार मुझे पाथ BO का वर्डन बताओ, अब पाथ BO कुछ ऐसा तिरछा पाथ है जिसमें x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, तो इस पाथ का इक्वेशन लिख लो, 0 0 2 2, इसका स्लोप आ गया 2/2, यानी कि स्लोप आ गया 1, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप 1 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका पाथ जो होगा वो होगा y बराबर x, देख लो 2/2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0/0 भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इसका पाथ मेरा आ गया y बराबर x, मुझे वर्क डन की बात कर रहा है ये, अगर मुझे ये वर्क डन की बात कर रहा है, और इधर निकाल लेते हैं, अगर मुझे ये वर्क डन की बात कर रहा है, मुझे ये वर्क डन की बात कर रहा है इस पाथ में, मैंने बोला मेरा वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, वो है वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी, पाथ मेरा है वाई बराबर एक्स, देखो पाथ क्या है वाई बराबर एक्स, इस पाथ पे अगर मैं वाई की जगह एक्स डालू तो इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स की जगह वाई डालू इंटीग्रेशन आ गया वाई स्क्वायर डीवाई, एक्स का वेरिएशन हो रहा है 2 से लेके 0 तक, वाई का वेरिएशन हो रहा है 2 से लेके 0 तक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3, जैसे तुमने एक्स क्यूब बाई 3 में 2 डाला 8/3 लेकिन माइनस के साथ, लिमिट डाल के तुम देख लो, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया y क्यूब बाई 3, फिर से लिमिट डाला यानी कि फिर से ये आ गया -8/3, तुम चाहो तो लिमिट डाल के 2 to the 4 to the 8, 0 पहले ऊपर है इसलिए 0 माइनस ऑफ 8/3 यानी कि -8/3, जैसे तुमने इसको ऐड किया ये आ गया -16/3, ये आ गया -16/3, अगर मैं वर्क टोटल की बात करूं, पाथ OA में तो वर्क जीरो था लेकिन पाथ AB में जब हमने वर्क निकाला था तो पाथ AB में वर्क आया था 8 जूल, यानी कि टोटल वर्क आ गया 8 - 16/3 यानी कि 24 - 16/3 यानी कि आ गया 8/3 जूल। सिंपली मैंने दिखा दिया कि क्राफ्ट का सवाल कैसे करते हैं अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बताया था कि अगर मैं सेम साइकिल में घूमूं ओ से ओ पे आ गया तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क तो जीरो होगा, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क जीरो नहीं आया, कुछ वैल्यू आ गया। तो आज हमारा लेक्चर पूरा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे क्वेश्चन पे बेस्ड था, वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अपन फिर से कुछ नई बात करेंगे, कुछ नई चीज़ों की बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में